200 वर्षों की गुलामी, ढेरों आंदोलन और तमाम ही स्वतंत्रता सेनानियों की वीरगति के बाद आखिरकार वो दिन आई गया जब भारत को आज़ाद होना था। लेकिन भारत के आज़ाद होने से पहले शर्त ये रखी गई, जिस देश में ना कोई नियम है ना कोई कानून है, वो देश आखिरकार आगे चलेगा कैसे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दर्द, एक बहुत बड़ा घाव जो कि एक अखंड देश को विभाजित करके दिया जाने वाला था। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NPC गुरुकुल पे। यहाँ पर आप जानते हैं कि इस समय पैट की परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों पर है, आपको बहुत सारी मैराथन प्रोवाइड कराई जा रही हैं या रेगुलर बेसिस पर बहुत सारे वैकल्पिक क्वेश्चनों की, वैकल्पिक प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जा रही है। जैसा आप जानते हैं DI की जो सीरीज है वो चल रही थी, नरेश सर आपको चला रहे थे, आज उनकी वीडियो नहीं आ पाई है क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो कुछ थोड़ा सा नासाज है या ख़राब है। फिलहाल मैं आज आपके साथ बात करूँगा संविधान की। संविधान के बनने के पीछे कहानी रोचक है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है और उस मिशन के तहत ये बात मानी जाती है कि एक संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होना है और उसके जो प्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव विभिन्न प्रांतों से होगा, किंतु जनसंख्या के आधार पर होगा। यानी प्रत्येक 10 लाख लोगों पर, प्रत्येक 10 लाख जन पर एक प्रतिनिधि होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके संविधान सभा का हिस्सा बनेगा, पार्ट बनेगा। उसके बाद बहुत सारे फैसले हैं वो संविधान सभा मिलकर के लेगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर विचार करके संविधान के जो क्वेश्चन हमारे पैट में आ रहे हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन हम कंप्लीट सही कर सकते हैं, उसकी कोशिश वीडियो में रहेगी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और लाइक करना अभी नहीं, जब वीडियो आपको पसंद आने लगे तब वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। कमेंट में लिखें अगर किसी सुधार की गुंजाइश है। इसी के साथ बिना आपका समय जाया किए मैं आगे चलता हूँ। हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो संविधान से जुड़े हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। ये कुछ बिंदु हैं जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा। सर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उन बिंदुओं पे अगर आप गौर देंगे तो फिर क्वेश्चन आपके लगने लगेंगे। उसके बाद इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का, किसके गठन का, संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी थी। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट तरीके से उसको निर्वाचन करना था, उसका इलेक्शन करना था। इनमें से प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। प्रांतों से, हर एक प्रांत से एक प्रतिनिधि आएगा और वो जनसंख्या के आधार पर आएगा। उसको मोटे तौर पर यह कहा गया कि हर एक 10 लाख लोगों पर, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है 9 दिसंबर 1946 को। जब ये सारी पृष्ठभूमि तैयार हो गई तो 9 दिसंबर 1946 को पहली हमारी जो बैठक है वो होती है संविधान सभा की, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। सर ये क्वेश्चन पहले भी पैट की परीक्षाओं में और विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है, आप इसको ध्यान दें। पहला जो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो फिर क्या होता है, अस्थाई अध्यक्ष भी बनेंगे आगे। 11 दिसंबर ठीक दो दिन बाद, 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए और ठीक दो दिन बाद संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, नामित कर दिया गया, उनको बना दिया गया, निर्वाचन कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं VN राव की, यानी वेनेगल नरसिंह राव की। इनका पूरा नाम आप एक बार देख ले, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन में पूछ ले वो। उन्हें क्या बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। हम मोटी मोटी बिंदुओं पर गौर करते चलेंगे। संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, बीएन राव को बनाया गया। प्रारूप समिति, जो संविधान के बनाने से रिलेटेड ही एक समिति थी उसी से संबंधित थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्हीं को संविधान का निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने बहुत से देशों के संविधान को पूरा, उनका गहन अध्ययन किया और उसके बाद उसमें से कुछ कुछ बातें थी जो निकाली और अपने संविधान को बनाया गया। साथ ही मैं आपको बता देता हूं 1935 में जो एक संविधान जैसी एक डॉक्यूमेंट, एक जो दस्तावेज था, उसकी रूपरेखा तैयार हुई थी, उसकी झलक आपको हमारे संविधान में मिलती है। जो वर्तमान संविधान है उसमें 1935 में जो एक दस्तावेज लाया गया था संविधान रूपी, उसकी झलक हमें मिलती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है और बना है। संविधान सभा में फिर एक दिन बीच में जाता है, 12 तारीख बीच में जाती है और 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ये बिंदु यहाँ पर हो गया टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, पर ये बात यहीं से शुरू है। कह रहे हैं संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ठीक है सर, उसके आगे की बात करें 26 नवंबर 1949 को, लंबा समय है सर, 1946 की बात कर रहे हैं उससे पिछले बिंदु में और उसके बाद 1949, यानी 26
नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बन चुका था, वो तैयार था, उसको अधिनियमित कर दिया गया, उसको आत्मसमर्पित कर दिया गया। इन शब्दों पे थोड़ा सा गौर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस की जो तारीख है वो आप याद रखेंगे 26 दिसंबर, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था, 1949 को हमने उसे अंगीकृत किया था, इसलिए तब से मनाते आ रहे हैं। हम आगे बात करेंगे, कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को ही क्या क्या हुआ, शब्दों पे गौर करें, नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध भी लागू किए गए, नागरिकता से जुड़े, निर्वाचन से जुड़े और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध जो लागू किए गए वो भी इसी दिन लागू किए गए। उसके बाद भारतीय संविधान कितने दिनों में बना है उसकी हमें यहाँ पे दे रखा है कि 2 वर्ष लगे हैं, 11 माह लगे हैं और 18 दिन लगे हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और तब जा करके हमने उसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, यानी कि मान लिया। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, यानी 24 जनवरी को हस्ताक्षर होते हैं और ठीक दूसरे दिन बाद, यानी कि एक दिन छोड़ करके, 25 जनवरी छोड़ करके 26 जनवरी को इसको पूर्णतः लागू कर लिया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। सर यहाँ 2 दिवस की बात हो गई, गणतंत्र दिवस तो बहुत रेयरली पूछेगा, बहुत ही मुश्किल से, लेकिन संविधान दिवस के बारे में वो पूछ सकता है, सवाल उसका जायज है। आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ, ये जो सारा काम हुआ वो किसके आधार पे हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कब आई थी भाई, 24 मार्च में आई थी, 1946 में आई थी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए जा रहे हैं। तो कई अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष को ध्यान में रखते चलेंगे, जैसे अस्थायी बने सच्चिदानंद सिन्हा जी बने, उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ही प्रांतीय, अगर बात करेंगे प्रांतीय संविधान समिति के, तो कौन बने अध्यक्ष भाई, कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ, आगे देखेंगे, कुछ जानकारी है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे 2 बातें आ गई, एक तो प्रांतीय बात आ गई उनके से और दूसरी निकल के आई है सलाहकार समिति, सलाहकार समिति के अध्यक्ष, यानी इन्होंने सलाह देनी थी कि भाई किस तरीके से काम आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से कार्य को आगे प्रगति दी जाएगी। संविधान निर्मातृ परिषद की तथर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये मैं आपके लिए ऐसे बिंदु लेकर के आया हूँ, पूरा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिटेल में है, वो बिंदु हैं जिस पर प्रश्न या तो बने हैं या बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद आगे करते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं, अरे भाई वुमन एम्पावरमेंट की बात हो जाए, महिला सशक्तिकरण की बात हो जाए तो पूछ लेगा क्वेश्चन, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। आगे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा अपनी वाणी से। आगे चलते हैं, वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। जो अंतरिम एक सरकार बनाई गई थी उसमें गृह मंत्री का जो पदभार था वो किसको मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। साथ ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल की शपथ लिया था, कब लिया था अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ, कब लिया था, 2 सितंबर 1946 को शपथ लिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे साथ, यहां पर बात है अबुल कलाम आजाद, आप जानते हैं शिक्षा मंत्री हो गए, प्रथम शिक्षा मंत्री हो गए अबुल कलाम आजाद हो गए। केशवानंद भारती, ये जो केस है ये बहुत ही चर्चित केस रहा है, जिसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, केशवानंद भारती के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, ये पूरा मुझे कवर करना चाहिए, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, चेंज किया गया। आगे चलते हैं, संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य संसदीय स्वरूप की सरकार, अरे ये वो शब्द हैं जो संविधान हमें बताता है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं। साथ ही और क्या है, संघात्मक स्वरूप, लेकिन प्रकृति में कैसा है वो, एकात्मक है, प्रकृति में कैसा है, कंसाइज है, एकात्मक है, ये सभी क्या है, संविधान की विशेषताएं हैं। अभी एक विशेषता हम देखेंगे जो संविधान की विशेषता नहीं है पर लगती है, तो हम गलत उसको उत्तर को वहां मार्क करके आ जाते हैं और फिर हमारा नंबर लूज हो जाता है। तो ये शब्दों का ध्यान रखेंगे, जो शब्द मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, आप इसका स्क्रीन शॉट भी साथ साथ लेते चलें जब मैं साइड में चल के आ जाऊं, ताकि आपका जो है बाद में रिविजन में ये चीज काम आती रहे। मैं कोशिश करूंगा, टीम से कहूंगा, इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल तक पहुंचा दी जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको समय पर सारी सूचनाएं मिल सके।
आगे चलते हैं भाई, हमारा संविधान हमें पढ़ना है। इंग्लैंड के बारे में कुछ कहा क्या, संविधान अलिखित है, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये प्रश्न आ चुका है। कह रहे हैं ऐसा कौन सा देश है जहां का संविधान अलिखित है, कोई लिखित उखित नहीं है, वहां पर इंग्लैंड का है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, तो पहला लिखित संविधान किसका हो गया, अमेरिका का हो गया, और अलिखित किसका हो गया, इंग्लैंड का हो गया। पर सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो भारत का संविधान है। आप देखेंगे इस वीडियो में हम आपको ये कुछ जनरल बातें बताने के बाद यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा फायदा मिल जाए वीडियो का, जो हम देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहे हैं वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या थी। दोबारा से जो हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसका आधार जो बनाया गया, बेसिस जो बनाया गया, वो किसे बनाया गया, जनसंख्या। अधिकांश के केस में जनसंख्या को आधार बनाया गया। इसको आधार बनाने के बाद जो पहले राज्य का जो पूरा पुनर्गठन हुआ था वो किसका हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। सरकार का गणतंत्रीय तथा लोकतंत्रीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य, सामंजस्य मतलब तालमेल को कहते हैं, तथा संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया। भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा जब भी आएगा तो आपको इन शब्दों पर गौर देना है कि ये गणतंत्रीय है, ये लोकतंत्रीय है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट है, इसकी बात मैं कर रहा था। तो बताइए क्या ये लक्षण संघीय सरकार का है, नहीं है, ये संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार की एजेंट नहीं है, बल्कि वो साथ में मिलकर के एक सामंजस्य के साथ कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं और कार्य करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं भाई, संघीय सरकार हो गया, संसदीय सरकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। अगर मेरा टंग स्लिप हुआ है तो मैं दोबारा इसको प्रोनाउंस करना चाहूंगा, अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके साथ अब हम आ रहे हैं, कुछ और विशेषताएं हमारे साथ रह गई हैं, देखेंगे भारत क्या है, एक संघ है, जैसा कि पहले भाग में भी कहा गया, मैं भाग की चर्चा आगे करने वाला हूं। उसका संविधान राज्य और केंद्र के बीच में एक जो सत्ता है उसकी साझेदारी होती है, एजेंट नहीं है सर, साझेदारी है उनके बीच में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक पार्टिसिपेशन है, कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है। सार्वजनिक हित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, PIL, जो कि जनहित में डाली जाती है, उसकी संकल्पना की शुरुआत USA में हुई थी। कहाँ हुई थी उसकी शुरुआत, कहाँ हुई थी, USA में हुई थी, जो भारत में भी अब होती है ऐसा नहीं है, पर शुरुआत वहीं पे हुई है। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिग्रहित किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, फिर से अध्यक्ष आ गए। जरा मैं आपसे कहूंगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठे, जरा इन अध्यक्ष को एक जगह लिख लें, ताकि रिविजन के समय, एग्जाम से पहले, पेपर से पहले, परीक्षा से पहले आपको परेशानी ना हो। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देख रहे हैं आप, अध्यक्ष ही अध्यक्ष आते जा रहे हैं, तो अध्यक्ष में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप क्या करें, एक पेपर ले लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, सारे अध्यक्ष जितने भी बने, जिस जिस समिति के बने, उनको एक पेपर पे नोट कर लें, यह सही तरीका है रिविजन का। ठीक है, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन बने, जे बी कृपलानी साहब बने। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, यानी मूल भाग जब वो बना था, लेकिन वर्तमान में स्थिति जो है वो बदल गई है। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है वो लगभग 468 हो गई है, यानी 468 हो गई है। वर्तमान में भागों की जो संख्या है वो 25 हो चुकी है, एवं अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 12 हो गई है। तो ये आप देखेंगे कि किससे बढ़ के कितने आ गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास था, जिससे सवाल अगर बनेगा तो हमें ठीक करके आना ही आना है। आगे चलते हैं भाई, क्या है, कुछ भागों की चर्चा यहाँ पर की गई है, एक नज़र इस पर मारते चलेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें समय हमें ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। पहले भाग की अगर बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरे भाग में नागरिकता यानी सिटीजनशिप है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार हो गए यानी फंडामेंटल राइट हो गए, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए यानी DPSP हो गया, मूल कर्तव्य की बात करें फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, जो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़े गए थे, संघ हो गया, राज्य हो गया। भाग 7 की बात करें, प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य
निरसित की बात की जा रही है। भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। भाग 9 की बात करें तो पंचायत। अब पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन जिम्मेदार है। और नगर पालिकाओं के लिए क्या है भाई, नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन है, यानी 9 का नगर पालिका से संबंधित है जो 74वां संशोधन है, और जबकि भाग 9 जो है वो संबंधित है पंचायत से, यानी ग्राम सभा बनाई गई थी और उसके बाद जो उसका जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय जो समिति बनाई गई उसके बारे में जो चर्चा है वो 93 संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, कुछ भाग बचे हुए रह गए या देख लें जरा उनको क्या है। 9 खा की बात की गई है, जो सहकारी समितियां यानी कि जो अभी बना है ना कॉपरेटिव सेक्टर जो अपना हो गया उसकी बात की जा रही है, सहकारी समिति की बात की जा रही है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एससी एसटी की बात की जाएगी। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है भाग 11 में है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और बाद की बात की जा रही है, जबकि भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार एक राज्य के अंदर, जैसे यूपी हमारा अगर है, आप यूपी को बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल मेरे मुँह से वही निकलेगा क्योंकि हम यूपी के हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो व्यापार है वाणिज्य हो गया या समागम हो गया उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं उससे संबंधित वो किसमें हैं, भाग 13 में। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आ जाएंगी। भाग 14 का की बात करेंगे तो अधिग्रहण आ जाएगा, उसके बाद 15 हो गया अधिकरण आ गया, उसके बाद निर्वाचन हो गया 15 में, उसके बाद 16 में आप देख रहे हैं कुछ वर्गों के संबंध, राजभाषा आपात उपबंध प्रकीर्ण संविधान के संशोधन जो है वो भाग 20 में। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप देख रहे हैं संविधान के संशोधन की बात जो है वो भाग 20 में की गई है। 21वें की बात करें तो अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की जा रही है। भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की जा रही है। माफी चाहूंगा आगे चलेंगे। यहां बात कर रहे हैं अनुसूचियों की, इस पर हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको ऐसा निवेदन भी करूंगा आपको कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि इनको डिटेल में पढ़ते रहें। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पैट का क्वेश्चन हमारा जो है ठीक हो जाएगा। यहां पर कुछ हमारे साथ ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिनको ये बातें पहले से मालूम है, अगर वो वीडियो में बने हैं तो उनका दिल से धन्यवाद क्योंकि वो जानते हैं कि इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। हमें आता है पर रिवीजन जरूरी है। आगे चलेंगे तो इस तरीके से हमारे पास अनुसूचियां हैं। ये जो इस अनुसूची पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा 7वीं पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि केंद्र राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियां हैं उनका विभाजन हो रखा है भाई, विभाजन हो रखा है जिसके लिए 3 सूचियां बना दी गई। पहला हो गया संघ सूची, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की हो गई। राज्य सूची जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, और संवर्ती सूची को कंकरेंट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि इस पर जो विधायी जो विधान बनाना है कानून बनाना है उसका फैसला दोनों ले सकते हैं, केंद्र भी ले सकता है राज्य भी ले सकता है। किंतु अगर राज्य और केंद्र के बीच में अपवाद की स्थिति प्रथम जो आती है, अपवाद अगर उनके बीच में हो जाता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, नानुकर की स्थिति बनती है, तो केंद्र जो कानून बनाएगा वही सर्वोपरि होगा, वही चलेगा, राज्य का फिर उसमें कुछ रोल नहीं रह जाता है। तो संघ सूची की अगर बात करें तो कुल 97 विषय, वर्तमान में कितने 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। मैंने आपको कहा संघ सूची में जो विषय है उन पर कौन बनाएगा, सिर्फ संघ बनाएगा यानी केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची की बात करें तो कुल 66, वर्तमान में कितने रह गए हैं ये 59 रह गए हैं, जिन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, ठीक है, इसमें कोई अब केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। उसके बाद बात करें तो संवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 हो चुके हैं क्योंकि वहां से हटा करके इसमें डाले गए हैं वो, ठीक है, संवर्ती सूची में डाले गए हैं कुछ विषय निकाल करके राज्य से, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य को भी है। सर संघ को भी है राज्य को भी, आगे पढ़ लेना मेरे साथ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर उसमें संघ कोई कानून बना देता है, संघ अगर राज्य में के बीच में कोई झगड़ा है, कोई नानुकर है भाई, कोई अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़िया नहीं है, तो फिर जो संघ बनाएगा कानून वही लागू होगा, राज्य का फिर उसमें रोल नहीं रह जाएगा। यहाँ जो कुछ बात दे रखी है इनको देख लें, क्योंकि अगर आप पिछले वर्षों के पेपर देख रहे होंगे तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा राज्य संबंधी है, कौन सा संघ सूची में आता है, कौन सा संवर्ती सूची में आता है, तो एक नज़र मैं आपकी यहाँ पर डालूंगा इसमें कौन कौन से हैं। पुलिस है, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता हो गई, प्रति व्यक्ति कर हो गया, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, राज्य सूची के विषय हैं। तो राज्य सूची के विषय हैं इससे ऊपर ये सारे, ठीक है जी। उसके बाद रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, संघ सूची के विषय हैं। ये सारे विषय किसके हो गए, संघ सूची के विषय हो गए। आप हमारा कहा अगर मानेंगे, आपसे बहुत निवेदन है कि आप ऐसी चीज़ों को जरूर अपना नोट जरूर बनाएं। वीडियो को तो बार बार आप देखते रहेंगे लेकिन एक बार हाथ से लिखेंगे तो बात थोड़ी सी ज़्यादा समय तक रहेगी। उसके बाद जो हमें ध्यान देने, इसमें मेन मेन विषय ले लिए गए, यानी जो महत्वपूर्ण है या जो कभी परीक्षा में आ रखे हैं या आने की संभावना रखते हैं।
आर्थिक योजना की बात करें, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन या उसके बाद शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, गोद लेना संवर्ती सूची के विषय है, यानी कि इस पर संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। तलाक से मुझे याद आ रहा है जो ट्रिपल तलाक पर जो कानून बना है, यूपी में बन चुका, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी बना, तो ये संवर्ती सूची का विषय है, तो इस पर दोनों बना सकते हैं। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है भाई बना लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर केंद्र जो बनाएगा वही लागू होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने कुछ अनुसूचियाँ देख लेनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन, जबकि 1992 में कुंकड़ी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन, जबकि 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब ये हिंदी का क्वेश्चन भी बनेगा, सर ये हिंदी से ही बन गया, बोले जो भाषा से संबंधित समस्या है या भाषा जो बढ़ाई जा रही है, जो भाषा से रिलेटेड बात है, वो कौन सी अनुसूची में है, 8वीं में। मैंने बहुत सारी ऐसी सरकारी परीक्षाओं में देखा है कि भाषा हिंदी में जो देते हैं तो वो कहते हैं हिंदी भाषा का जो लेना देना है वो किस अनुसूची से है, तो भाई सीधे सीधे भाषा अगर है तो आप 8वीं अनुसूची पे चले जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे हम लोग चलने वाले हैं यहां पर 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची की बात है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पर आपको बाद में इसको एक बार आप देख लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, स्मरण रहेंगी। आगे चल रहे हैं भाई, आगे इसके बाद हमें क्या बात करनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात करनी है। अगर आप वीडियो में यहां तक चले आए हैं तो ये बात आज हमारी, आप मान लीजिए पैट की परीक्षा के बाद इसी वीडियो पर आके वापस कमेंट करना कि सर आपने कुछ कहा था। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर एक सवाल जो है, एक जो क्वेश्चन, एक प्रश्न है, वो आप रखा हुआ मान के चलिए, इसलिए इसको बड़े धैर्य से पढ़ना है, बड़े धैर्य से समझ लेना है। एक बार जैसे पहली बात माफी चाहूंगा, पहली बात ब्रिटेन की हो जाती है, दूसरी अमेरिका की हो जाती है, तीसरी आयरलैंड की हो जाती है, कनाडा हो गया, और हमारे पास हम पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात हो जाएगी या जापान की बात होगी। ये वो देश है, मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में ही, मैंने आपसे कहा था कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, और उसमें से ऐसी बातें जो भारत के संविधान में होनी चाहिए, जो भारत के जो लोग हैं उनको मदद करेंगी, उनको हमारे संविधान में जगह दी गई है। अब ब्रिटेन से संबंधित क्या है, संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल यानी कि एक मंत्रिमंडल होगा, उसका जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा, एकल नागरिकता यानी आप एक देश की नागरिकता लेंगे तो दूसरे की अपने आप खत्म हो जाएगी, दो सदनीय प्रणाली यानी दो सदन होंगे आपके संसद में, एक निचला होगा जिसको लोकसभा कहेंगे, एक ऊंचा वाला होगा उच्च सदन होगा, जिसको हम राज्यसभा कहेंगे, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। कहां से लिए गए सर, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से क्या लेंगे, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्अविलोकन, साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो गया, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, आप जानते हैं इस बात को, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध जो लिए गए वो कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। भाई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर आप बन गए तो आपकी जो पावर है वो एकदम चौड़े हो घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाया जा सकता है, या न्यायाधीश जो हमारे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के हैं उनको भी हटाने के बारे में जो उपबंध है वो कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से बात करते हैं तो वहां से प्रेरणा लेकर हमने क्या जोड़ा, नीति निदेशक तत्व जोड़े, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जोड़ी कि भाई चुनाव करके राष्ट्रपति को कैसे हम राष्ट्रपति गद्दी बिठाएं, राज्यसभा में कुल सदस्यों का जो नामांकन सम्मिलित किए गए हैं वो सब आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त यानी मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किए गए थे। कहां से किए गए थे, कनाडा से किए गए, कनाडा के संविधान से किए गए। उसके बाद बात कर रहे हैं सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य यानी कि जो आप ट्रेड वगैरह करते हैं, चीजों को लाना बेचना खरीदना हो गया, समागम की स्वतंत्रता तथा संवर्ती की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देख करके संवर्ती सूची का निर्माण किया गया होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जापान से क्या लिया गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका भी है,
उसके संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था, ये बहुत जरूरी थी भाई, संविधान संशोधन होना बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि बेशक वहां पर जो संविधान सभा में लोग मौजूद थे जिन्होंने संविधान को बनाया, उसकी रचना की, वो बहुत ही उच्च कोटि के लोग रहे होंगे, लेकिन समय के बदलने के साथ संशोधन की आवश्यकता तो सब में होती है। एडजस्टमेंट का जो पॉइंट है वो तो हर जगह होना चाहिए, मानते हैं इस बात को। जैसे शिक्षा की पद्धति की बात करें तो पहले ऑफलाइन शिक्षा जो थी उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा ही, कोरोना में इसका और विस्तार हुआ, तो उसी कारण हम और आप आज जुड़े हुए हैं। तो संशोधन की जो स्थिति है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो इसको मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ, ये जो चीज़ हमने ली कि संविधान के संशोधन की व्यवस्था की जाए। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो हमने कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, हालांकि बाद में सोवियत संघ टूट गया। अगर ऐसी बात आप जानना चाहते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसी चैनल पर आपको प्रियम सर जो हमारे हैं वो हिस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी दे रहे हैं, विशेष करके ऐसे प्रश्नों का वो वहाँ पर अध्ययन करके उनको और आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि जो पेपर में आ सकते हैं। तो उनकी वीडियो ज़रूर देखें आप, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें भैया, नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब पैट तक ये जो आंधी है ये चल चुकी है, ये रुकने वाली नहीं है, ऐसी मैराथन क्लासेज आपको मिलती रहेंगी लगातार। आगे चलते हैं भाई, जरा अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़े आ रहे हैं। अगर आप यहां तक आ गए तो आइए मेरे साथ अब जो है क्वेश्चन उनको लगाते हैं हम लोग। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, बताइए किसका माना जाता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो मुझे बताइए। और ये वाक्य मैं बोल चुका हूं अपने एक्सप्लेनेशन के समय में, मैं इस वाक्य को बोल चुका हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोल चुका हूं। बताइए, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। भारत सरकार अधिनियम 1935, मैंने कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले प्रश्न पे चले आते हैं भाई, देखिए शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ, क्या लाभ मिलेगा अगर शासन की एकात्मक पद्धति हो, यानी सब लोग एकदम एकजुट वाली बात हो ना, एकात्मक पद्धति का लाभ क्या मिलेगा, आप इसको पढ़ के ना बिल्कुल पढ़ के भी बता सकते हैं, सिर्फ अगर आपको ज्यादा जानकारी भी नहीं है। सत्तावाद की कम संभावनाएं, हाँ ये तो हो सकती है एक बात, किंतु जनता द्वारा अधिक सहभागिता, इसमें मुझे नहीं लगता एकात्मकता का कोई बहुत विशेष रोल है। अधिक अनुकूलनशीलता, ये भी ये मुझे नहीं लगता ये किसी तरीके से, लेकिन दृढ़ राज्य की जो बात है ये सबसे सही बात है, यानी कि शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो हमें ऐसे मिलेगा कि जो हमारा राज्य है वो दृढ़ होगा। और यहाँ राज्य का जो संबंध है ना सर, ये जो राज्य का संबंध है वो राष्ट्र से है, किसी एक स्टेट से नहीं है, ये मेरी बात आप थोड़ी सी समझते चलेंगे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जरा आप देख रहे हैं मेरे साथ। निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है, बताइए। अभी जो इससे पहले हमने वीडियो में देखा है, क्या वहां पे नहीं बताया था अलिखित संविधान किसका है, बता दें भाई अलिखित संविधान किसका हो गया। यूके इज द आंसर, सोचने की बात ही नहीं है, भारत पाकिस्तान का लिखित है, यूएसए का तो सबसे बड़ा, सबसे पहले लिखित था सॉरी, और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है आज के समय में। आगे चलते हैं भाई, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष मुझे बताइए कौन है। पहले अस्थायी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उसके बाद कौन बने हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी, उसके बाद कौन बने अध्यक्ष, जो बने वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए हैं। आगे चलना है भाई, आगे चलते हैं, सीधे उड़ा दीजिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था, किसने किया था, जब ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होगी, 93 संविधान संशोधन की बात है, 93 संविधान संशोधन की बात है, भाग की बात करें तो भाग 9 है, भाग 9 से संबंधित है। अरे भाई ग्राम सभा होंगी भाई, ग्राम सभा होंगी, ब्लॉक होंगी भाई, ब्लॉक होंगी, और एक होगी जिला परिषद, एक क्या होगी जिला परिषद होगी, जिला परिषद होगी। तो बताइए जरा क्या कह रहे हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये प्रश्न आपके सामने, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, बताइए भाई संविधान के जो आदर्श हैं, जो संविधान की मूल भावना है उसको कहां देख सकते हैं, प्रीएम्बल में देख सकते हैं, यानी प्रस्तावना में देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, प्रीएम्बल कह देंगे, प्रीएम्बल कह देंगे। जो साथी हमारे सीबीएसई बोर्ड के उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान है, आगे चलेंगे जरा।
कह रहे हैं संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया। अरे भाई लाइन मैंने मार्क कराई थी आपको, क्या आपको क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा? मैंने लाइन मार्क कराई थी, देखें। एक, प्रभु सत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या तीसरा हमारा जो ऑप्शन है, वैकल्प है हमारा, वो क्या है? प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। अरे भाई इसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? कोई और दूसरा हो सकता है क्या? यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जरा। अगले प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? देखिए सीधा सीधा लाइन से क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे वीडियो देखी है, पीछे हमारा जो मैंने जो व्याख्यान किया, जो स्लाइड लेकर के आया, अगर आपने देखा है तो फिर आपको आंसर लगाने में बिल्कुल हिचक और देरी नहीं हो रही। बताइए कब किया अंगीकृत, कब किया? 26 नवंबर 1949 को। समझने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया, अंगीकृत कर लिया इस तारीख को, बात खत्म हो गई। आगे चलेंगे, जबकि इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, कुछ एक बातों को छोड़ करके। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? कितनी बार संविधान की जो प्रस्तावना उसको संशोधित किया गया? अरे भाई इसको देखिए, एक ही बार संशोधित किया गया। बड़ा विवादित मामला रहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, उनके समय में संशोधित किया गया था। और संशोधन कौन सा था भाई? 42वें संविधान संशोधन की बात है भाई, 42वां संविधान संशोधन है। कब हुआ है? 1976 की बात चल रही है भाई, 1976 की बात चल रही है, क्योंकि इमरजेंसी का दौरान था। ये क्या था? आपातकाल का समय था, आपातकाल का समय था। ये जो 42वां संविधान संशोधन है भाई, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, मिनी संविधान भी कहा गया, क्योंकि इस समय में जो बातें हुई थी वो बहुत थोड़ी सी ज्यादा हुई थी। बहुत सारी संशोधन यहाँ पर किए गए थे, जैसे कि कर्तव्य लाए गए थे, मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के, भारत के नागरिकों के हैं। उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनको प्रभाव को थोड़ा सा कम किया गया था यहाँ पर संविधान संशोधन में। तो इसको उसी के बाद, आप अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पढ़ी है, तो आपको पता होगा जनता दल जो था वो अपनी जो सरकार उनने बनाई थी, वो जो इलेक्शन जीते 77 में, वो इसी दम पे जीते कि जो भी संविधान में संशोधन करके ये जो चेंज किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन में, इनको हम वापस उसी जगह ले आएंगे जो पहले था। देखिए तो संशोधन कितनी बार हुआ? एक बार, क्योंकि उसके बाद इसको वापस नहीं लाया गया। अब तक प्रस्तावना को अपनी जगह वापस नहीं लाया गया, जो चीजें इसमें जुड़ गई वो जुड़ गई। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं हम लोग। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? एक तो मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, इसमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? अरे भाई इसको रब कर दें, हमने तो सब मार्क कर दिए भाई। बताइए कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? जीवन का अधिकार नहीं हो जाएगा, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाकी तो है, मत देने का, चुनाव लड़ने का और सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का, सब राजनीतिक है, पर जीवन का अधिकार जो है ये मौलिक हो गया। ये कैसा हो गया भाई? मौलिक हो गया। जीवन का अधिकार क्या हो गया? मौलिक हो गया। ठीक है, इसको आपने देख लिया, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, भारत क्या है? भारत एक राजतंत्र है, एक तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या कुलीन तंत्र है? अरे भाई ये तो बहुत ही भद्दा शब्द है, इसको तो आप कम से कम ना ही उपयोग में लाएं। तो सही जो हो गया वो क्या हो गया? लोकतंत्र है। हमने प्रस्तावना में भी देखा लोकतंत्र है, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हमारे जो साथी हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई क्या आंसर है। तो लोकतंत्र जो है इसका आंसर है, भारत एक लोकतंत्र है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन पर, हाँ केवीसी की तरह। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 2 मिनट पहले बात बताइए, आप दिल खुश कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका आंसर ये होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसको मिनी संविधान कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे विषय जोड़े गए या संशोधित किए गए, इसलिए उसको मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं भाई हमारे साथ अगले प्रश्न पे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किससे लेकर के अपनाई गई है, कि एक जो है एकल नागरिकता वाली जो बात है वो किससे होगी? आपने वीडियो देखी है तो आप देखें जरा, इसका आंसर बताएं मुझे, इसका आंसर क्या होने वाला है? एकल नागरिकता वाली जो बात है वो कहां? बताइए भाई एकल नागरिकता की बात जो है कहां से आएगी? किसी देश में अगर आप नागरिकता ले लेते हैं, किसी एक देश की नागरिकता आपके पास रहेगी, बाकी की नहीं रहेगी फिर? एकल नागरिकता की बात कहां से आएगी? जी वो थोड़ा सा एक वर्क था,
उसको कर लिया। इधर देखेंगे अब एकल नागरिकता की बात जो है वो कहां से आएगी, इंग्लैंड से हमारे पास आ जाएगी। आगे चल रहे हैं भाई अगले बिंदु पर, अगले प्रश्न पे। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है बताइए जरा, किसकी विशेषता है, एकात्मक सरकार की, संसदीय सरकार की, संघीय सरकार की, या राष्ट्रपति शासित सरकार की। आप इस क्वेश्चन का आंसर देख करके मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समय यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, दोहरी नागरिकता कहां पर होगी, संघीय सरकार में होगी, जहां पर संघ और राज दो की नागरिकता लेना अहम होगा। और यह बात जो है अमेरिका में पूर्ण रूप से लागू है, अमेरिका में कि वहां पर आपको संघ से भी नागरिकता लेनी है। भाई माइक चल रहा है, आवाज आ रही, ठीक चेक कर लिए। आगे चलिए जरा, आगे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, अरे भारत का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारी टीवी स्क्रीन पर यह देखेंगे जरा, आप इसका आंसर आप बताइए जरा हमें क्या होने वाला है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए बताइए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किससे लिए गए, सोवियत संघ से, यूके से, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए क्या होने वाला है। तो मूलभूत अधिकारों की बात अगर हम करें, यानी कि ये कौन से हो गए, हमारे मौलिक अधिकार हो गए। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं जरा आप मुझे बताइए, क्या हमने स्लाइड में आपको नहीं बताया था, यहां देखिए क्या आपको स्लाइड में नहीं बताए थे मूलभूत अधिकार कहां से लिए गए। यहां मेरे साथ आइए आप, विशेषताएं, आपसे कहा था कि स्लाइड इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मेरे साथ देखिए जरा ये क्या है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में नहीं कहा था, देखे जरा यहां मूलभूत अधिकार कहां पे आ रखे हैं। मूलभूत अधिकार की बात करें, मूल अधिकार कहां पे, अमेरिका के उससे लिए गए, संविधान से लिए गए। वापस मैं आपको ले चलता हूं, ये मैंने आपको इसलिए यहां तक लाया हूं ताकि आप समझें कि आपने पिछली जो वीडियो देखी है उसी से संबंधित प्रश्न आगे आने वाले हैं। हम किस प्रश्न पे हैं, हम 16 प्रश्न पे हैं, 16 प्रश्न मेरे सामने आ जा भाई, ये गिली गिलू छू आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर होने वाला है भाई, अमेरिका से लिए गए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या मूलभूत अधिकार हैं। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है, किसके, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों जिस पे बात करते हैं, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो क्या हो गया हमारे पास, राज्यों के बीच परस्पर विवाद नहीं होगा, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण नहीं होगा, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद नहीं होगा, क्या होगा, मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकार जो है आपके, जो फंडामेंटल राइट है आपके, उनका संरक्षण होगा। ठीक है, हो गया। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया एकदम, मौलिक अधिकार जो हमें प्रारंभ में मिले, फंडामेंटल राइट जो हमें प्रारंभ में मिले, वो कितने मिले बच्चा, 7 मिले, और उसके बाद अभी कितने हो गए, ये 6 हो चुके हैं। पर उसने क्या पूछा, प्रारंभ में कितने मिले, तो 7 मिले प्रारंभ, बात खत्म हो गई। एक जो संपत्ति का अधिकार है वो घटा लिया गया है बाद में संशोधन करके। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, रिट बोलते हैं इनको, रिटें जो जारी करता है वो कितनी हैं, वो 5 हैं, वो 5 रिटें हैं। ठीक है भाई, आंसर हो गया, अगले चलते हैं। आगे चलिए भाई, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, ये क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी मिल सकते हैं आपको आपकी परीक्षा के समय में, तो बस इस वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपके संविधान में बहुत हेल्प होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया, आहा यही वो 7 में से एक जो घटा लिया गया, एक जो मौलिक अधिकार नहीं दिया गया वो क्या है, संपत्ति का अधिकार, यही आपसे कह रहे थे, संपत्ति का अधिकार। आगे चलते हैं भाई, हमारा जो प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आप देखिए जरा कि कोई भी राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिसे वो बनाए रखता है, इससे नहीं कि लिख के रख दिए, वो अधिकार लागू होने चाहिए, वहां पे दिखने चाहिए। तो ये जो कथन कहा वो किसने कहा, लास्की ने ये कथन हमसे कहा था। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई, अब बताइए, जो नीति निदेशक तत्व है जो हमारे पास लिए गए हैं, DPSP जो लिया गया वो किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, USA से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मैं आपको समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में देख करके कि इसका क्या सही आंसर होने वाला, कमेंट बॉक्स में लिखिए। PDF चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए,
पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बताइए राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहां ये जो तत्व लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं भाई, आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, एक सेकंड मुझे देंगे जरा, एक जरूरी है बात में सर से। ठीक है, वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। देखिए जरा भारत संविधान में, हाँ डीपीएसपी की बात चल रही थी, आप बताइए आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, नहीं। कनाडा से लिया गया, नहीं। यूएसए से लिया गया, हाँ जी सही कह रहे हैं आप, यूएसए से लिया गया, यूएसए से लिया गया। जरा चेक कर लें आप लोग एक बार, यूएसए से लिया गया कि नहीं। यहां पर आयरलैंड की बात करेंगे तो नहीं होगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे, आप इस बात को ध्यान दें, आप ऑप्शन देख करके क्वेश्चन ना पकड़े, ए सी बी डी ये थोड़ा सा हो गया, आप नाम से पकड़ के चलेंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा से, यूएसए, आयरलैंड से, तो आंसर हो गया आयरलैंड, यहां पे सही है। पहले हम गलत कर रहे हैं, आयरलैंड ठीक है हमारे पास। आगे चलते हैं जरा, अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात हुई है, कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात हुई है, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में बात हुई है, हाँ या ना बताइए। इसमें कोई गुंजाइश है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। बहुत तेज स्पीड के साथ खत्म कर रहे हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया भाई। आगे चलेंगे, एक बात यहां पे आपको बता देते हैं, जो जो कंबाइंड बैठक जो बुलाई जाती है, एक जो संयुक्त अधिवेशन जिसको हम कहते हैं, उसे कौन बुला सकता है भाई। यहां मेरा पास जरा दो क्वेश्चन देख लीजिए, अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक, राष्ट्रपति तो बुला लेगा, लेकिन अध्यक्षता क्या राष्ट्रपति करेगा, नहीं करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। यह बात थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न आगे परीक्षाओं में आए होंगे तो हमारी स्लाइड में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको किसी परीक्षा में ही मिल जाएंगे भाई। आगे चलते हैं, पैट आपके देने वाले हैं, आपकी नजर है उस पर। पिछला क्वेश्चन आंसर टिक किया, टिक किया, हाँ बिल्कुल टिक कर लिया। आगे चलते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो संसद का अभिन्न अंग है, जो संसद है वो राष्ट्रपति के अधीन हो गई, और संसद के दो सदन, एक निचला सदन है एक ऊंचा सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद का क्या हो गया, अभिन्न अंग हो गया, कौन, राष्ट्रपति भाई। यहां देख लीजिए ऑप्शन नंबर वन जो है हमारा करेक्ट हो गया संसद का। आगे हम लोग चल रहे हैं, क्या है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। अरे भैया इन्हें क्या निर्विरोध चुना गया था, नहीं, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को चुना गया, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। और एक बात और जोड़ देता हूं मैं, ये कौन थे, ये हमारे छठे नंबर के, सिक्स्थ नंबर के जो हैं राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। मैं इसको ठीक करता हूं भाई, यहां पर हमारे जो साथी हैं कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आंसर क्या हो गया, बीस का आंसर हो गया, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपके पास हम, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे क्या कहा था, क्या कहा था कि क्वेश्चन मिल सकता है, बताओ कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष पर, वो प्रश्न थोड़ी है, प्रश्न तो यह है कि संसद का दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाएगा कौन, तो वो बुला लेगा कौन, राष्ट्रपति, हमने लगा लिया। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो गई, न्यूनतम आयु हो गई 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितनी हो गई 30 वर्ष। अब लोकसभा के लिए कौन बताएगा भाई, लोकसभा के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें पता तो चले कि आपने वीडियो देखी है, आपने वीडियो देखी है, क्योंकि आपके जब नंबर आएंगे पैट की परीक्षा में तो आप इस वीडियो पे वापस आकर के कमेंट जरूर करिएगा, हौसला अफजाई जरूर करिएगा, हमारी जो टीम जो दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए चीज़ें बनाती है, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको अच्छा लगे वो आपके लिए और बेहतर काम कर पाए। जैसा आप जानते हैं कि इसी चैनल पे जो अब यूपी पुलिस की जो हमारी वैकेंसी आने वाली है उसकी परीक्षा जो कि बहुत दिनों से डिले है टल रही है, वो जल्दी ही अक्टूबर 24 अक्टूबर से पहले जो है वो होने वाली है, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस बात को कहा कि 24 अक्टूबर से पहले आप वो वैकेंसी दिखाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहना है कि आप उसकी जो क्लास है वो भी इसी चैनल पे चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पूरी जानकारी पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, आप बस चैनल पे बने रहे, नए हैं तो आप जानते हैं क्या करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो राज्यसभा की बात कर लें तो 30 हो गई, और लोकसभा की बात करें तो कितनी हो गई, 25 हो गई। आगे चलिए जरा, यहां कह रहे हैं भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, अरे कितनी देर से तो रट रहे हैं, कितनी देर से तो रट रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है, बुलाता कौन, राष्ट्रपति बुलाए कौन,
और अध्यक्ष अगर कौन हो, हाँ ठीक है याद रखिएगा बस। आगे चलते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक की जो बात है वो कौन करेगा, धन विधेयक कौन उसे प्रमाणित करेगा बताएं जरा, धन विधेयक कौन प्रमाणित करेगा उसे, लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा भाई, लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा, ये कर दिया प्रमाणित। आगे चलेंगे, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 33 हो सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो मैं आपको कहानी सुनाता हूं, यहां पे कुछ संविधान संशोधन होते आए हैं जिसके तहत शुरुआत में जब मूल की बात करें अगर हम बेसिक की, तो एक हमारे मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है क्या है उनके सबऑर्डिनेट हो गए, यानी उनके 7 वाले और न्यायाधीश हो गए, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में। अब ये कहानी बदली, अब ये कहानी धीरे धीरे बदली कि भाई ये जो है प्रावधान आ गया कि हम इसको संशोधित कर सकते हैं। अब आप आज की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश 1 है और ये कितने हैं, 33 हैं, और ये कब हुआ, 2019 में इस बात को संशोधित किया गया, ये आपने याद रखना है बात को, ठीक है जी। तो मूल में अगर पूछेगा तो एक मुख्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और जो 7 में अतिरिक्त जो हैं उनके वो कितने थे, 7 थे, लेकिन आज की डेट में कितने मुख्य, अब भी नहीं बदले, एक ही हैं, लेकिन जो उसके अतिरिक्त हैं वो कितने हैं, 33 हो गए हैं। बोलिए भाई मैं हट जाता हूं, जरा आप देख लें एक बार, जरा नजर ले लें इस पे एक बार। आगे चलें, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आइए अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। अरे इतनी देर से क्या कह रहे हैं तुमसे, इतनी देर से हम कह रहे हैं ये 93 संविधान संशोधन, अरे माफ कीजिएगा 73वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो यहां से पंचायत की बात आई थी, यहां से पंचायत की बात आई थी। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो यहां से बात आई थी, नगर पालिका की बात आई थी। भाई दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखते चलेंगे। यहां क्या पूछा है, कौन सा संशोधन अधिनियम है राज व्यवस्था यानी पंचायती राज के लिए, आपने आंसर लगा दिया, आपने आंसर लगा दिया है 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, कह रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में जो शामिल है वो, ये क्वेश्चन हमने लगा लिया है पहले ही, ये कुछ गिलेच है वहां पर जहां पर ये पीडीएफ बन रही है उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सही आंसर बिल्कुल लगा हुआ है, ग्राम पंचायत ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद, क्योंकि ये भी क्या है 73वां संविधान संशोधन की हमने बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर जो मेहनत है वो, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, आपके अच्छे नंबर आए, आप पैट में स्कोर करें संविधान से संबंधित, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें। ये पीडीएफ हम बोलेंगे अपनी टेक्निकल टीम को कि टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाए ताकि आप बार बार पढ़ सकें, उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पर टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, बने रहने के लिए धन्यवाद।